आज हम देखेंगे आपके फिल्टर बैग्स के क्रॉस फ्लो रेट आपके डीपी को कैसे इफेक्ट करता है। हाय, मैं हूं कार्तिक महाराणा और मैंने 10 साल तक फ्यूम ट्रीटमेंट प्लांट, डीडस्टिंग यूनिट्स और फिल्टर बैग्स को लेकर काम किया है। मैं अभी अपना खुद का कंसल्टिंग फर्म चला रहा हूं। क्या आप अपने फिल्टर बैग्स के अक्रॉस फ्लो को बढ़ाना चाहते हैं? ये जनरली तब होता है जब आपके प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर आपके प्रोसेस में ऐसा कुछ चेंज आ जाए जिसके वजह से फ्यूम का या डस्ट का जनरेशन बढ़ जाता है। इसका उल्टा भी हो सकता है। क्या आप अपने फिल्टर बैग के फ्लो रेट को कम करना चाहते हो? ये तब होता है जब आप अपने प्लांट को कैपेसिटी से कम में चलाते हो या कोई ऐसी रीज़न हो जिसके वजह से आपको फ्लो कम करना पड़ जाता है। अगर आपके फिल्टर बैग्स के फ्लो रेट में कोई भी चेंजेस आ जाए तो उसके वजह से बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स में चेंजेस आते ही हैं और बहुत ही मेजर चेंजेस आते हैं। तो आपके ऑपरेटर को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस क्यों आएंगे। हम यहाँ बात करते हैं डीपी की। जब फ्लो रेट इंक्रीज करते हो आप तो आपका डीपी बढ़ जाएगा और जब आपके फिल्टर बैग के अक्रॉस फ्लो रेट कम कर दोगे तो आपका डिफरेंशियल प्रेशर या डीपी फिल्टर बैग्स के अक्रॉस कम हो जाएगा। अब हम यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करना है कि हम फ्लो रेट में चेंजेस ला रहे हैं, डस्ट का जो लोड है उस पर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जब डस्ट लोड कांस्टेंट है तो हमारे फिल्टर बैग्स के अक्रॉस जो हवा को पार करने के लिए सरफेस एरिया है वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। अब जब हम फ्लो रेट बढ़ाएंगे तब इस सेम सरफेस एरिया से सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा हवा को पास करना है जिसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जिसके वजह से डीपी बढ़ जाएगा। और अगर हम फ्लो रेट कम करते हैं तो सेम सरफेस एरिया में सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कम हवा पास करना पड़ेगा जिससे कि डीपी कम हो जाएगा। इसे याद रखने का और समझने का एक सिंपल या आसान तरीका है ओम्स लॉ, जो कि बोलता है वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू करेंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ हमारा डीपी वोल्टेज है और करंट गैस फ्लो जो बैग हाउस के अक्रॉस होता है वो है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब आपका फ्लो रेट या गैस फ्लो फिल्टर बैग से अक्रॉस बढ़ाओगे तब डीपी भी बढ़ेगा और जब फ्लो रेट कम कर दोगे तो डीपी कम हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था एक क्वेश्चन, क्या हमें वोल्टेज या डीपी एडजस्ट करने के लिए हर समय पल्सिंग इंटरवल को चेंज करना चाहिए? यहाँ हमें ध्यान रखना होगा जब भी पर डीपी चेंज होता है फ्लो रेट के वजह से हमें पल्सिंग इंटरवल नहीं चेंज करना है और डीपी को ओरिजिनल लेवल पर नहीं लेके आना है। जब भी फ्लो रेट आप चेंज करोगे डीपी का लेवल चेंज होगा जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। आपको करेक्शंस अपने सिस्टम में करने पड़ेंगे जो कि बाकी सारे पैरामीटर्स को मिलाकर आपको समझ कर करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने प्लांट को और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और मेरे वीडियोस के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और उसके बगल की नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक आते रहें। आप मेरे इस वीडियो को अपने सीनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ और अपने ऑपरेटर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल जाए और आपका प्लांट ऑप्टिमाइज होकर चलता रहे। अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके प्लांट में कुछ बड़ा प्रॉब्लम है या कोई डिज़ाइन चेंज कर रहे हो आप और आप मेरे सर्विसेज का रिक्वायरमेंट चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पर जो कि है 9178457983, जो कि आपको फ्लैश भी हो रहा होगा। तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा अपने ऑपरेशंस में, अपने जॉब में। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो के साथ एक नया टॉपिक लेकर। तब तक हमारे साथ बने रहिए।